गाइस वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस मैंने आप सबको पहले ही मेरी अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि मुझे बहुत कुछ करना और सीखना पसंद है। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हेयर मेजर। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। हेयर फॉल बहुत कम होता है क्या, पूरा बंद हो जाएगा अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करें। 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। ये कोई कुछ मेरी वीडियो चलने के लिए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, आप सभी मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छे से पता है। जो मैंने यूज़ किया मैं वही आपको बोलूँगी, अदरवाइज मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। और जो मैं आज दे रही हूँ इसमें सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं है, आपका हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगा और आपका हेयर जो है वो काले और नेचुरल होगा। आप देख सकते हैं मेरे हेयर काले हैं हमेशा और ब्लैक शाइन भी हो रहा है। तो ये मैं कंटिन्यूसली फ़िलहाल कर रही हूँ, कुछ दिनों में भी थोड़ी सी इसमें दूर हो गई थी, काम के चलते मौका नहीं मिल पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज अभी फिर से मैंने शुरू कर दिया इसका कंटिन्यूसली करना, तो आप देख सकते हो। और उस मैं आपको जो आज देने जो मेटेरियल उसमें चाहिए, ये कैसे इसको बनाना है, कैसे आपको इस्तेमाल करना, आप प्लीज़ कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। और कम से कम 1 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आप इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हैं कि आपको सही में उसका अच्छा रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो गाइस मुझे क्या क्या मेटेरियल चाहिए इसके लिए वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। हमें चाहिए केसर, एलोवेरा जेल, मैंने एलोवेरा जेल जो है वो पतंजलि का लिया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। एलोवेरा जेल नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। कलौंजी, मेथी मैंने साथ में लिया है, जॉनसन्स का बेबी वेल आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। और मैं जो इस्तेमाल करती हूँ आंवला, आपका आप जो इस्तेमाल करते हो आप उसका ले सकते हो। और ये एक मैंने खाली जार लिया है इस्तेमाल उसमें बनाने के लिए, जो जिसके बाद बनाने के बाद हम इसमें रखेंगे वो लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले सकते हो, अगर आपके पास ऑयल जॉनसन्स बेबी का ऑयल नहीं है तो इट्स ओके, आप नहीं देने से भी चलेगा। आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो वो भी नहीं देने से चलेगा, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने लिया है। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इट्स ओके, आप नहीं लेने से भी आपका हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कलौंजी का पूरा मिक्स अच्छे से बनाना है, मिक्सचर पे मिक्स करना है। उसके बाद मेथी का भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। गाइस अगर आपके पास मान लीजिए कि मिक्सचर ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको पीस के भी ले सकते हो, मेरे ख्याल से पीसने से और अच्छा बढ़िया बनता है। ठीक है, तो हम इसको पहले पीस लेते हैं, उसके बाद की तैयारी हम बाद में आपको दिखाते हैं। तो हमारा मिक्सचर कंप्लीट हो गया, हमने मिक्स कर लिया, ये देख सकते हैं पूरा मिक्स मैंने कर दिया। ये मेथी का मिक्सचर मैंने बना लिया, अब इसको मैंने कलौंजी का मिक्सचर भी बना लिया। अब हम शुरू करेंगे हमारी ऑयल बनाने का तरीका। तो ये मैंने खाली जार का ढक्कन खोल दिया, अब उसमें मैं 1 हफ्ते के लिए बनाऊंगी और उसके बाद जो पेज बचेगा वो मैं दूसरे काम में लगाऊंगी। ठीक है, आप आपके हिसाब से लगाएगा, आप अगर 1 महीने का बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं इसमें 2 चम्मच मिक्स कर रही हूँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते का बना रही हूँ। उसके बाद मैंने कलौंजी लिया, उसके बाद मैं अपना मेथी मिक्स कर रही हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने जो एलोवेरा जेल लिया वो 1 ही चम्मच लिया है, आप आपके हिसाब से लीजिएगा, आप जितने दिन का बनाना चाहते हो उतने हिसाब से आप लीजिएगा। उसके बाद मैं आप इसमें मेरे कुछ केसर इस्तेमाल करूँगी, आप आपके हिसाब से, देखिए मैंने अपने हिसाब से लिया है, आपके पास अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके। उसके बाद मैं इसमें जॉनसन्स ऑयल मिक्स करूँगी, इसी चम्मच से मैं इसमें पूरा 1 चम्मच जॉनसन्स ऑयल मिक्स करूँगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने पूरा 1 चम्मच यहाँ पर लिया है। इसके बाद में डाबर आमला ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ, आप जो इस्तेमाल करते हो प्लीज़ गाइस आप वही लीजिएगा, कोई भी इस्तेमाल करें, इसके कोई नहीं है कि आप मैं इस्तेमाल ये करती हूँ तो आपको वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने इसमें 1 चम्मच लिया, फिर और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला, आप 3रा चम्मच, यानी कि मैंने इसमें 1 हफ्ते के लिए 3 चम्मच आंवला तेल डाला और जॉनसन्स ऑयल का 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाला और मेथी का मैंने 2 चम्मच लिया और काली जीरा जो कलौंजी जो है उसका मैंने 2 चम्मच लिया। उसके बाद मैंने कुछ उसके बाद केसर का भी इस्तेमाल इसमें किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, चम्मच से इसको अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद आप उसको
अगर गाइस आपको तुरंत लगाना हो तो मेथी या कलौंजी जो है उसको कुछ दिनों के लिए धूप में आपको सूखना पड़ेगा। अगर या आप तुरंत इसको बना देते हो, एक कलौंजी और मेथी को धूप में नहीं सेकते हो, तो आप उसको कुछ दिन यानी कि कम से कम 5 या 7 दिन तक उसको धूप में सुखाए, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप पहले से उसको सुखा ले तो इसके बाद आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। पता चल गया कि जैसे हमने होम मेड वेल बनाया है हमारे लॉन्ग हेयर, ग्रोथ हेयर एंड फॉल हेयर के लिए, फॉलिंग हेयर के लिए। तो उसके बाद आप जैसे मैंने कहा आप उसको धूप में सुखा सकते हैं, और अगर आपने उसको पहले सुखा दिया तो आप उसको इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तुरंत इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ हाथों में लिया है। आप घने घने अच्छे से थोड़े थोड़े करके बाल लीजिए और पूरे बालों में लगाइए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा गाइस। आई एम 100% श्योर आप लगा के इसको देख सकते हैं। इस तरीके से मैं पूरे बाल में इसको लगाऊंगी, पूरे बालों में इसको लगाऊंगी। और कल सुबह में एक्चुअली मैं ज़्यादा हेयर नहीं, हेयर वेल लगा के नहीं रह सकती, इसलिए मैं सुबह ही उसको धो लूँगी। आप भी सुबह धो लीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे ये हेयर वेल लगाने के बाद आप कौन से चीज़ से धोने से बाल आपका और शाइनिंग और अच्छा और बढ़िया आपका हो जाएगा। आपको बता दूँ कि आप इस तरीके से कॉम से 1x1 पार्ट करके ले सकते हो। आप इसे इस हेयर के इस साइड में कर सकते हो, फिर इस हेयर को आप एक साइड करके आप फिर सवेल यहाँ से लेंगे और लेके इस साइड वाला कंप्लीट आप कर सकते हो। ऐसे करके पार्ट पार्ट करके भी आप बालों में हेयर ऑयल लगा सकते हो। तो लगभग मैंने ऑलरेडी, मैं रोज लगाती हूँ, मैंने परसों भी लगाया है, आज फिर से लगा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ, आपको ना लगे ये हेयर वेल है जो मैंने बनाया है, आपको ना लगे कि मैं ये सिर्फ आपको बोलने के लिए करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको अच्छे से लगाएं, एकदम जड़ों से लेकर अंत तक बालों के, पूरे बालों में इसको लगना चाहिए, पूरे बाल आपके लगना चाहिए। गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लगाने के बाद भी आपके बालों में शाइन तब करेंगे। आप जब लगाते हो ना, स्मेल मैं क्या बोलूँ आपका, उसका सुगंध जो है ना इतना बढ़िया आता है, इतना अच्छा स्मेल आता है उसका। आप अच्छे से इसको लगा सकते हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। जो जेंट्स हैं, जो घर के, वो भी अच्छे से लगा सकते हैं। स्पेशली वो रात को सोने से पहले अगर लगा के थोड़ा सा मसाज करके, यूज और स्मॉल सर्कल वाइज मैसेज करके अगर वो सोए तो बहुत बढ़िया नींद आती है और उनके भी बाल बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना हेयर वेल कंप्लीट कर लिया है, पूरा मैंने पूरे अपने बालों में लगा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल शाइन कर रहे हैं अभी भी। तो गाइस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे अगले और भी ब्यूटी टिप्स और हेयर टिप्स के लिए रेडी रहिएगा। मैं आपके साथ मैंने जो जो मैंने ज़िंदगी में किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड प्लीज़ गाइस अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।